ताकत है जितने तब थे आज भी, आपका धर्म वैभव संपदा ये सब आपकाधीन है। यदि आप संतों की वाणी को नहीं सुनते और उनके विचारों का अनुसरण नहीं करते, मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक संत जिन्होंने जिनके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे, प्रत्येक संत जिन्होंने सनातन संस्कृति के नाते अपने जीवन को समर्पित किया है, लगा इस मार्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सभी को मैं आवश्यक है। और आचार्य जी को मैंने देखा है कि कोरोना महामारी हो,
उसके समय में आगे आकर लोगों की सेवा करने का काम हो, या मैं जिस क्षेत्र से सीमांत क्षेत्र से चंपावत से जहां से मैं विधायक वहां पर आचार्य सिंह के द्वारा गरीब बच्चों के लिए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हो, विद्यालय संचालित करने का काम हो, निश्चित रूप से एक ऐसे काम है जो समाज को लगातार पथे देने का काम करते हैं। हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हमारा धर्म किसी विशेष व्यक्ति द्वारा स्थापित धर्म नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न मत मतांतरों आस्थाओं विश्वास आदि का एक समुच्चय है। सनातन धर्म जिन तथ्यों और सिद्धांतों पर आधारित है वो मानव निर्मित नहीं है, वे इस सृष्टि में स्वमेव अस्तित्व में आए हैं, यह सृष्टि का स्वाभाविक धर्म है, इसलिए सनातन है, जो पहले भी था अब भी है और हमेशा रहने वाला है, यही सनातन है। संन्यास परंपरा में आचार्य जी का दायित्व बहुत बड़ा है, आचार्य जी का कार्य है धर्म का अनुपालन करना, धर्म की रक्षा करना, इस कार्य को आचार्य सिंह ने पूरी निष्ठा के साथ किया है, पूरे समर्पण के साथ किया है, और केवल देश के अंदर ही नहीं विदेशों में भी लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने का अपने मार्ग दिखाने का काम किया है। दुनिया के अंदर, भारत के अंदर तो अलग जगह ही है, दुनिया के अंदर अलग जगाने का काम किया गया है। गीता में कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यह विद्यते, अर्थात ज्ञान से पवित्र और कुछ भी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आपका ज्ञान, आपकी प्रेरणा हम सबका हमेशा मार्गदर्शन करती रहे और हमें राष्ट्र निर्माण के पथ पर अग्रसर करने में आपका पाथेय हमेशा हम सबको प्राप्त होता रहेगा। हम सब जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज अभूतपूर्व रूप से भारत का सांस्कृतिक जागरण हो रहा है, सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है और सनातन संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। उसमें मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि हम सभी जानते हैं, चाहे आज हम भगवान राम लला विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, या दिव्य काशी और भव्य काशी हमारे सामने आया है, उज्जैन का महाकाल हो या देवभूमि उत्तराखंड हो, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का नया मास्टर प्लान करना हो, या हेमकुंड साहब जाने के लिए रोप वे का शिलान्यास हो, केदारनाथ जी के लिए रोप वे का शिलान्यास हो, चार धाम पर नजर हो रहे हो, जिस प्रकार से हमारे देव स्थानों को और अभी अभी उत्तराखंड में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो सीमांत क्षेत्र जोलिंग गांव में 18,000 फुट की ऊंचाई पर पार्वती कुंड और आदि कैलाश के दर्शन होने की और पूरी दुनिया को इसको बताने का काम किया, जहां उत्तराखंड में केदारखंड हमारा तेजी से विकास की ओर बढ़ा है, चारों धाम बढ़े हैं, वहीं मानसखंड में भी आज जितने हमारे मंदिर हैं, जितने धार्मिक स्थान हैं, उन सभी का सर्किट बनाने का काम, उन सभी के नवनिर्माण का काम, एक मंदिर माला मिशन के रूप में बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज आधुनिकता के संतुलित समावेश के साथ साथ एक ओर जहां संस्कृति का वैभव पुनर्जीवित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो और समूचे विश्व का मार्गदर्शन के लिए तैयार हो रहा है। पूरा विश्व आज कोई भी दुनिया के अंदर घटना होती है तो एक समय था, हम सबको याद होगा कि बड़े बड़े मंचों पर भारत की तरफ से भारत के हितों की बात भी नहीं हो पाती थी, कोई भारत की बात को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन अब कालखंड बदल गया, अब दुनिया के अंदर अगर कोई घटना होती है तो पूरा विश्व भारत के रूप का इंतजार करता है कि नया भारत खड़ा हो गया। इसलिए सालों में जब से मुझे मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी के लिए दायित्व मिला है तो हमारी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लिए हैं, जो इन 23 वर्षों में राज्य स्थापना के बाद पहली बार लिए गए, जहां उत्तराखंड में हमने देश का सबसे कठोर
नकल रोकी कानून यहाँ पर बनाया हमारे भाई बहनों को, छात्र छात्राओं को। पहले के समय में नकल का शिकार होना पड़ता था, पेन ड्राइव से नकल हो जाती थी, बड़े बड़े माफिया गिरोह सक्रिय थे। देश का सबसे कठोर नकल कानून बनाकर हमने इसको रोकने का काम किया है। वहीं धर्मांतरण के लिए हमने 10 साल तक की सजा का प्रावधान करके कठोर कानून बनाने का काम भी जो भूमि उत्तराखंड में किया है। और पहली बार मैं कुछ संतों के बीच में बताना चाहता हूँ कि हमने प्रयास करके पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी अगर हम जाते हैं, अगर हम ये कहें कि हम देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं, तो लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है। उनको लगता है कि देवों की भूमि से आए हैं। तो इस देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। उसके लिए हमने जितना अतिक्रमण था लैंड विहार के रूप में उसको भी अतिक्रमण मुक्त कराने का काम किया है। लगभग 5,000 एकड़ से भी ज्यादा सरकारी जमीन हमने मुक्त करवाई है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में भी हम पीछे नहीं हटे। अनेकों कार्रवाई हमने की है। हमने प्रदेश के अंदर मातृशक्ति को, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो हमारी मातृशक्ति है उसका बहुत बड़ा संघर्ष राज्य बनने से पहले भी और राज्य बनाने के लिए भी और राज्य बनने के बाद, इसलिए हमारी मातृशक्ति को मुख्य धारा पर लाना हम सबका पहला प्राथमिकता थी। इसलिए हमने राज्य के अंदर 30% का जो आरक्षण है वो केवल मातृशक्ति के लिए यहाँ पर जो है उसके लिए विधेयक लाकर सुनिश्चित कर दिया कि मातृशक्ति आई आएगी। इसके साथ साथ इसके अंदर जैसे राम मंदिर की मांग कि राम भगवान राम लला का मंदिर बनना चाहिए, धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, ऐसी बातें लगातार पूरे देश के अंदर उठती रही। प्रदेश के अंदर भी हमने इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की देवभूमि जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम नई सरकार के गठन होते ही प्रदेश के अंदर कानून बनाने के लिए काम करेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कुछ संतों के बीच में कि हमारी जो हमने इसकी कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्दी नए साल में हमको ड्राफ्ट मिलेगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप राज्य के विकास और कल्याण के लिए हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमने उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपना विकल्प रहित संकल्प का मूल मंत्र अपनाया है। उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। जो भी समय मिला है उसका एक एक पल और एक एक क्षण राज्य को समर्पित किया है, देवभूमि उत्तराखंड के लिए समर्पित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें जैसे हमारे पूज्य संत लोगों का